कारगिल विजय दिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सच्चा संघर्ष को कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तब साहसी और जाबाज भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को और उग्रवादियों को खदेड़ दिया और कारगिल मुक्त किया। इस ऑपरेशन को विजय ऑपरेशन, कारगिल विजय ऑपरेशन कहा जाता है। 1800 फीट की ऊंचाई पर शायद ही विश्व में ऐसा कोई युद्ध लड़ा गया हो। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को जीत हासिल की। सक्सेस हुआ हमारा ऑपरेशन विजय। इस घटना को आज पूरे 20 वर्ष पूरे हुए हैं और इसीलिए 20वीं वर्षगांठ हम आज मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि खड़की छावनी की ओर से आप सभी के बीच पैरामिलिट्री रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो जाबाज सैनिक यहाँ पर है, आपके साथ आज ये समारोह संपन्न करने का मौका हमें मिल रहा है। इसलिए छावनी परिषद खड़की की ओर से मैं आप सभी की आभारी हूँ। और इस सेंटर के सभी मेंबर्स आपका मैं आपकी हिम्मत के लिए, आपकी शौर्य के लिए, इस जीवन को
कुछ भी करने के लिए तैयार है। हे माँ, दिल तो पहले से आपको दिया ही है, अगर जान भी निछावर करने की बारी आई तो पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल की छात्रा है, दिल दिया है जान भी देंगे। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आजा।
सैनिकों और घुसपैठियों के साथ पूरे बैंकरों के साथ कर चुके थे।
और हमारे हाईवे अमृतसर डिपो और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट थे उनको टारगेट बनाया हुआ था। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमारे सेना ने उनको तीनों तरफ से घेर के काफी संघर्ष करके, क्योंकि उस कारगिल वार को कारगिल संघर्ष भी कहा जाता है, संघर्ष इसलिए क्योंकि काफी खड़ी चढ़ाई हमने पार करके दुश्मन को फतेह करना था और हमारे सेना ने रात दिन एक करके उस कारगिल वार को फतेह किया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और कारगिल दिवस उस दिन से मनाया जाता है। मैं जो हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए और हजारों सैनिक घायल हो गए, उनको हम तह दिल से सलाम करते हैं और मैं हमारे आए हुए खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड से मेहमानों को और भी आप हमारे जो शहीद जवान शहीद हो गए हैं, जो घायल हैं और जो विकट स्थिति में है, उनकी सहयोग के लिए और भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे साथ लोगों को जोड़े और हमें कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हम चले। लास्ट में मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई ख्वाहिश नहीं। जब भी जन्म हो, भारत मेरा वतन हो, भारत माता की
वाजपेयी जी ने भी कोशिश की और दोनों देशों के बीच बस सेवा भी शुरू हुई। वाजपेयी जी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को बातचीत के लिए आगरा बुलाया, किंतु बदले में पाकिस्तान ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी। जुलाई 1999 में यह युद्ध हुआ जिसमें दोनों देशों के लगभग 1000 से अधिक सैनिक मारे गए, लेकिन भारत के वीर जवानों ने अंततः कारगिल को दुश्मनों के कब्जे में जाने से बचा लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा देश दोस्ती और शक्ति में उनसे बहुत बड़ा है। तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। इन वीर जवानों के लिए शत शत नमन। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी का। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाली सभी कश्मीरी उग्रवादी है, लेकिन युद्ध में बरामद हुए सभी दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल है। लगभग 30,000 भारतीय सेना और 5,000 घुसपैठी इस युद्ध में शामिल थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सीमा वापस जाने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ जिससे दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रस्तान भी तेरा। और अंत में कहना चाहूंगी, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठ के लेना सारा स्ट्रेंथ और बेस का चलो ढाई ढाई चाल में।
देख लंबी ले सका।